क्या है, डे क्लास तो समझ में आता है, नाइट क्लास भी। चाली, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बोल यार। एक्चुअली मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, कुछ खास नहीं। इस बुक में लव को लेके कुछ फैक्ट्स थे, जब आप लव में होते हो तो कैसी कैसी फीलिंग होती है और क्या कुछ महसूस होता है और सब कुछ। मैं वैसे सोच रहा था कि इफ इट्स ट्रू ना। अच्छा क्या लिखा है? मैं लिखा है कि अगर आप प्यार में होते हो, आपको कोई पसंद होता है, बहुत पसंद होता है, तो आपको सब कुछ मैजिकल लगने लगता है। आई मीन आपके सपनों में बार बार आने लगते हैं, तो जाते ही चार्ली में रह जाते। तू बता ऐसा कुछ होता है? चार्ली तुझे पता है तेरे ये डोले मेरे दिल में मचा देते हैं शोले। हाँ होता है, जब कोई पसंद आने लगता है तो हर चीज ब्यूटीफुल लगने लगती है और हर जगह से कोई कोई दिखता है, ठंडी हवाएं चलने लगती है और सपना क्या रियलिटी में सिर्फ कोई दिखाई देने लगता है और फिर उसकी हर बुरी बात भी प्यार भरी लगती है। तेरे साथ भी ऐसा हुआ है? उत्कर्ष बोलनी पड़ी। नीति आ तो क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रही है? बेवकूफ, आज माँ का खाना क्यों नहीं दिया स्याली को? उठ तेरी, मैं अभी देता हूँ, तू दे देना। स्याली बुक मैं पढ़ रहा हूँ भाई। ये ले, याली को दे देना, वो खिला देगी माँ को। तो आज क्या है खाने में? केचुए, बड़ी मुश्किल से पीछे वाले ग्राउंड से चुरा के लाया हूँ। ही केचुए? केचु? केचु कैसे खा सकता है कोई? ये माँ यही खाती है, पर उनका तो फेवरेट भी है। ले जा। हाँ हाँ ठीक है, खिला दूँगी तेरी माँ का फेवरेट। अरे चार्ली जैसा बोल रहा है, मेरे साथ वैसा तो नहीं। आई मीन ये सियाली जब भी मुझ पर गुस्सा करती है तो मुझे उस पर प्यार तो नहीं आता है। इनफैक्ट मन करता है कि मैं उसके मुंह में कुछ कपड़ा ठूस दूं जिससे कि उसकी बकबक बंद हो। थैंक गॉड, इसका मतलब मेरे साथ जो हो रहा है वो प्यार तो बिल्कुल नहीं। सब बकवास है चार्ली, सब बकवास। तुझे क्या हो गया? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। तीसरा स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर प्रभाकर वशिष्ठ, अर्थक्वेक एनालिस्ट। ये आप लोगों को अर्थक्वेक जैसी नेचुरल कैलमिटीज से बचने की गाइडलाइंस देंगे। सो टेक नोट्स एंड पे अटेंशन for what he has to share with you all. Sir, if you can please take over. Students, earthquake जैसी natural calamities पर इंसान का कोई control नहीं होता। इन situations में हम सिर्फ कुछ precautions लेकर खुद को safe रख सकते हैं। और इनमें सबसे important है कि जब भी आपको भूकंप के झटके महसूस हों, आप अपने घर के आसपास के भारी सामान और फर्नीचर से दूर हट जाएं, क्योंकि उन झटकों से वो भारी सामान आपके ऊपर गिर सकता है। आप अपने घर या स्कूल की किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां कम से कम फर्नीचर हो, पर अगर ऐसी जगह पर पहुंचना मुश्किल हो तो फिर आप अपने घर या स्कूल के किसी भारी फर्नीचर जैसे कि स्टडी टेबल या डेस्क, इनके नीचे छिप जाएं और अपने सर को दोनों हाथों से कवर कर लें ताकि ऊपर से गिरने वाले सामान से आपका सर सुरक्षित रहे। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये भूकंप के आने पर टेबल या बेड के नीचे छुप जाना चाहिए। चल तू भी अंदर आ जा, कि वापस अटक गए तो पागल है क्या?
बेड के नीचे छुपने से क्या होगा? एक और बात, इन सिचुएशंस में हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, तुरंत घर से बाहर भागने की, जो कि खतरे से खाली नहीं है। हम घर से बाहर निकलने की जल्दी में गिरते हुए सामान के नीचे दब सकते हैं। इसीलिए भूचाल के झटकों के धीमे पड़ने पर ही आप घर से बाहर जाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, एक मैसिव अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स का आना कॉमन है। ये एक दिन या फिर कई हफ्तों तक चल सकते हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप अपने घर की गैस की पाइपलाइन की जांच करें। उसमें जरा सी भी लीकेज होने पर उसे यूज ना करें और उसे तुरंत रिपेयर करवाएं। इसके साथ साथ आप अपने घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग भी चेक करवाएं। इन छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से हम अपने आप को एक बड़े हादसे से बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक के बाद आप अपने घर में नंगे पांव ना घूमें, क्योंकि छोटी मोटी चीजों के टूटे हुए टुकड़े आपके पैरों में चुभ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आगे चलकर आपके बहुत काम आएगी। इन फ्यूचर अगर आप ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस करें और आपका घर इंश्योर्ड हो, तो आप तुरंत अपने डैमेज्ड घर की वीडियो और पिक्चर्स क्लिक करें। इससे आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने में आसानी होगी। आई होप आपने मेरी ये गाइडलाइंस ध्यान से सुनी हो। थैंक यू। पार्थ, मैं अभी कोई ढूंढ रहा था। Is everything okay? Yes, ma'am. Everything's fine. बस ये पूछना था कि आपने दवाई टाइम पर ली या नहीं। पार्थ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। दवाई की जरूरत नहीं है। I know आप ठीक हो, लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स बीच में ही छोड़ दोगे तो आपकी तबीयत वापस खराब हो सकती है। लेकिन पार्थ, और मेरी माँ कहती है कि इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी हेल्थ होती है। And you know why? Because a healthy mind resides only in a healthy body. अब बताओ आपकी दवाई कहाँ है? मैं लेकर आता हूँ। वहाँ उस ड्रॉअर। लीजिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना, तुम बिल्कुल मेरी दादी जैसे हो, जिद्दी। जिद्दी तो हूँ। आपकी दादी को प्रॉमिस जो करा है मैंने कि आपका पूरा ध्यान रखूँ। के बीच तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। थैंक यू। अ प्लेजर मैम। और आपको पता है, मैं किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में इतनी आसानी से आने नहीं देता, लेकिन एक बार कोई इंसान मेरी लाइफ में आ जाए तो बस वो मेरे बहुत करीब आ जाता है, और फिर मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अब आप प्लीज अपनी दवाई टाइम पर लें, ओके? प्रॉमिस मी। Promise. Take care.